झूलेलाल देवतेचं मंदिर बनवण्याचं कार्य सुरू केलेलं असून त्यानिमित्ताने पूर्ण भारतामध्ये शिंदे समाजामध्ये जनजागृती व्हावी याकरता ते रथयात्रा काढत असून या रथयात्रा आजपासून सुरू होणार असून संध्याकाळी रथयात्रेला सुरुवात होणार आहे. नीरज जेस्वानी यांनी संत बाबा हरदासराम साहेब यांचा आशीर्वाद घेण्याकरता रथयात्रा इथून सुरुवात करण्याचं नियोजन केलेलं असून समाज बाबा त्यांच्यासोबत आहे. झुलेलाल देवता हे आमचे इष्टदेवता असून त्यांच्या मंदिराचं कार्य त्यांनी सुरू केलेलं असून त्या कार्याकरता आमच्या ट्रस्टच्या वतीनं अमरश्री संतकोराम ट्रस्टच्या वतीनं मी स्वतःच्या वतीनं त्यांना शुभेच्छा देतो. एक चांगलं कार्य त्यांनी सुरू केलेलं असून या कार्याकरता त्यांनी रथयात्रा जे काढण्याचं नियोजन केलेलं असून त्याकरताही त्यांना रथयात्रेला मी शुभेच्छा देतो. परंतु अमर शहीद संतग्राम ट्रस्ट ही आमची संत बाबा हरदासराम या पूज्य सेवा मंडळाची संस्था असून आमचं जे नवनिर्माण कार्य सुरू आहे पूज्य सेवा मंडळचं त्याचा आणि या झुलेलाल मंदिरचा ट्रस्टचा काही संबंध येणार नाही. नीरज भाई जेस्वानी यांनी स्वतःची ट्रस्टची स्थापना केलेली असून त्याकरता त्याचा आर्थिक व्यवहार ते सांभाळतील. आमच्या ट्रस्टच्या वतीनं आम्ही जे नवनिर्माण कार्य करीत असून आम्हाला जे समाज बांधव मदत करतात त्याचा व्यवहार आमची ट्रस्ट सांभाळते. त्याकरता मी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून समाजाला पण या गोष्टीचं जाणीव व्हावी की काही लोकांनी असा गैरसमज कधी देऊ नये की हे नवनिर्माण कार्य सुरू असून त्या मंदिराचं नवनिर्माण कार्य पण ट्रस्टच्या वतीनं त्या बाबतीत नीरज भाई जेस्वानी यांनी पुढाकार घेतला असून त्यांची स्वतःची ट्रस्टची स्थापना केलेली आहे. देशभरात आता ही रथयात्रा जाणार असून देशभरातील भाविक बाबांचे भाविक पण आहेत देशभरात. तर त्याकरता मी समाज बांधवांना ही पण आमच्या वतीनं स्पष्ट करून देतो एक चांगलं कार्य ते करतायत बाबाचा आशीर्वाद घेण्याकरता आलेले याकरता आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत समाज बांधव. त्यांची मंदिर बांधण्याची जबाबदारी त्यांच्या वतीनं त्यांच्या जे सहयोगी असतील नीरज भाई जेस्वानी यांचे ते सर्व व्यवस्थित सांभाळतील आणि लवकरात लवकर या झुलेलाल देवताचं मंदिर चं कार्य पूर्ण होईल असं मी ट्रस्टच्या वतीनं शुभेच्छा देतो. यात्रा कुठून सुरू होणार आज इथून सेवा मंडळपासून झुलेलाल साई मानव सेवा संस्था जलगाव झुलेलाल साई तीर्थ स्थान हम यहाँ पे बना रहे हैं जिसमें कि एक हॉस्पिटल होगा जो पूरा निःशुल्क होगा. झुलेलाल साई की 91 फीट की मूर्ति होगी, साथ में श्री राम भगवान की 101 फीट की मूर्ति होगी, साथ में एक हमारा हम एक एकड़ में सिंध बना रहे हैं जो हमारा सिंध कल्चर है. भाई सिंध में हमारा क्या था, सिंध के हमारे राजा कौन थे और सिंध के हमारे संत महात्मा कौन थे वो हम पूरा वहाँ सिंध पूरा बताएंगे. उस माध्यम से हम ये एक हॉस्पिटल एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं जो कि रथ यात्रा की शुरुआत हमारे चालिया साहब जो उल्लासनगर में 5 नंबर में है जो हमारे यानी सिंध से एक अखंड जोत आई हुई है
जिसमें हमारे झूलेलाल साईं बसते हैं, उस अखंड ज्योत को हम रथ में लगाकर और पूरा भारत भर में लगभग 1500 शहरों में भ्रमण करके वो रथ यात्रा जलगांव पहुंचेगी। जब हमारा मंदिर भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा, जब लगभग 3 साल का समय है जब वो जलगांव पहुंचेगी। हम चालू कर रहे हैं उसमें फ्री एम्बुलेंस सेवा, बुखार से लेके कैंसर तक फ्री इलाज का नियोजन किया जाएगा। साथ में हमारे कुछ समाज के पूरे इंडिया में से कम 10 से 15 डॉक्टर्स हैं जो बड़े बड़े, वो हमारे यहाँ पे हमको सहयोग करेंगे ताकि हम सभी समाजों के लिए ये अस्पताल हम चला पाएँ और सभी को इसका लाभ मिले। और हमारी ये अपेक्षा है कि हम हमारी सिंधी समाज की जागृति, जो ये रथ यात्रा निकल रही है ये हमारे समाज की जागृति है झूलेलाल साईं की, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस रथ में सब लोग जुड़ पाएँ और झूलेलाल साईं का प्रचार कर पाएँ। अनुभूति स्कूल के पीछे, हाँ सबसे बड़ा भूमि पूजन हुआ था 17 फरवरी 2019। जल्दी अभी काम, ये रथ यात्रा के बाद हमारा 2-4-5 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस 3 साल के रथ यात्रा में हमारा मंदिर भी कंप्लीट हो जाए, ताकि ये पूरा रथ भ्रमण करके यहाँ जब मंदिर ओपनिंग हो, जब वो रथ यहाँ पे पहुँचे और लगभग इस मंदिर का और हॉस्पिटल के निर्माण का खर्चा 25 से 30 करोड़ रुपये।